हम उतर चुके हैं मुंबई के भाईकला स्टेशन। वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान का ये प्रवेश द्वार है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आए हैं रानीबाग मुंबई, जो है भाईकला में। और भाईकला स्टेशन से ये 5 मिनट की दूरी पर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अभी हम यहाँ से एंट्री टिकट निकालेंगे। ये है टिकट काउंटर और यहाँ पे रेट्स लिखे हुए हैं टिकट के। बड़ों के लिए है 50 रुपया, बच्चों के लिए 25 रुपया, और फैमिली अगर है आपके पास, मतलब आपकी फैमिली है तो हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों के साथ 100 रुपीज़। लेकिन इसमें से 2 बच्चे रहेंगे वो 12 साल के नीचे के होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जू के अंदर के प्राणियों और पक्षियों को प्रदर्शित करने की एक कोशिश की गई है। बहुत ही सुंदर है ये स्टैचू जैसे। ये मुंबई जू है और इसमें बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स और बर्ड्स रखे हुए हैं देखने के लिए। सो हम अभी देखने वाले हैं जाके। तो आप कहीं मत जाए, मेरे साथ बने रहे और मेरे साथ आप भी ये जू एक्सप्लोर कीजिए। तो चलो चलते हैं। बहुत ही सुंदर नक्शीकाम किया हुआ ये मेन गेट है, जहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे अंदर। अंदर एंट्री करने के बाद हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है देखने के लिए, ये जू को एक्सप्लोर करने के लिए। सामने ही आपको ये ट्रम्पल आर्क काला घोड़ा स्टैचू दिख रहा है और ये है जू का अंदर का मैप। इसमें आपको दिखाया गया है कि कौन से एनिमल्स कहाँ कहाँ पे है रखे हुए। सो इसको आप ज़रूर देखिए। और ये है एक म्यूज़ियम का पार्ट है, इसमें ये ब्रिटिश के ज़माने की तोप रखी हुई है। सो ये भी बहुत सुंदर दिख रही है, खूबसूरत दिख रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा एनिमल हमें देखने मिल रहा है। तो ये सामने ही पहला एनिमल हमें देखने मिला है, ये है एलिफेंट, हाथी है ये। फिलहाल इसमें एक ही हाथी रखा हुआ है, यहाँ पे हमें एक ही हाथी देखने को मिलेगा इसमें। और इसके ठीक सामने साइड में ही शेर की मांद है, लेकिन फिलहाल उसमें शेर नहीं है। सो हम चलते अभी नेक्स्ट एनिमल के तरफ। और नेक्स्ट एनिमल है ये बियर। सो देख के बियर, आप देख सकते हो ये ग्लास के कितने सुंदर पिंजरे बने हुए हैं और इनके अंदर ये एनिमल्स को रखा गया है। ये सामने से बियर आ रहा है, बहुत ही बड़ा बियर है, बहुत ही नज़दीक आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो आप देख सकते हो कितने नज़दीक से हमें देखने मिल रहा है। ये बच्चे इस बियर को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। और ये जो बियर है ये लगभग 4 फीट का होगा। और बियर के बारे में आप जानते होंगे कि ये जो बियर है वो बहुत समझदार होते हैं। 30 ईयर्स की इनकी लाइफ होती है और इनकी जो स्पीड रहती है भागने की, ये इंसानों से 2 गुना तेज भाग सकते हैं। सो इसके बाद हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट एनिमल की तरफ। फ्रेंड्स कहीं मत जाइए, अभी हम देखने वाले हैं टाइगर। तो चलो देखते हैं टाइगर। जंगल का प्रसिद्ध होने के साथ साथ ये रानीबाग का भी प्रसिद्ध प्राणी है। आप देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है। और यहाँ पे हमें टाइगर दिखाई दे रहे हैं अभी सामने। टाइगर के साथ उसके 2 शावक भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो ये 2 शावकों को हाल ही में यहाँ पे लाया गया है, पहले नहीं थे। सो कितना मनमोहक दृश्य है, बच्चे अपने माँ के साथ खेल रहे हैं। ओह वाह, ये देखो बड़ा टाइगर। और ये हमें अभी देखने के लिए मिल रहा है बड़ा टाइगर। सो यहाँ पे राउंड मारने के लिए आता है और इस पानी में भी नहाने के लिए आता है। सो हम देखेंगे कि ये पानी में आता है कि नहीं। सो बहुत ही नज़दीक से हम लोग को इसको देखने मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। और देखो, हम लोगों ने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया होगा कि इतना नज़दीक से टाइगर को हम देख पाए। ये कांच और ये ग्लास के लगे होने के कारण इसको हम लोग एकदम नज़दीक से देख पा रहे। देखो कितना नज़दीक आ रहा है, ऐसे लग रहा है हम उसको टच करेंगे अभी। बहुत ही बढ़िया। और अभी ये तैर रहा है इसमें पानी में। तो यहाँ से निकलकर अभी हम चल रहे हैं नेक्स्ट एनिमल की ओर। और बीच में आप देख सकते हो बैठने के लिए कितने सुंदर सुंदर बेंच बनाए गए हैं।
इस फ्रूट्स के आकार के बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, खाने पीने के लिए इसके अंदर कैंटीन भी मौजूद है और वहाँ पे आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हो। अभी कैफ़े के यहाँ हम पहुँच गए। ये कैफ़े ऐसे दो कैफ़े है, ये है और एक अंदर है पेंगुइन के सेक्शन के साइड। यहाँ पे हम स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। चलते हैं हिप्पो देखने के लिए, सो चलो देखते। ये सामने बहुत ही विशाल का हिप्पो दिख रहा है हमें। ये ज़्यादातर पानी में ही रहता है और इनकी एक बात है कि इनको तैरने नहीं आता है। पानी में ये आगे चलने के लिए जमीन पे पैर घिस के चलते रहते हैं आगे। ज़्यादातर इनको पानी में रहना पसंद है। और अभी हम देखने वाले हैं सांबर। ये है सांबर, ये डियर की कैटेगरीज में आते हैं और डियर की बहुत सारी कैटेगरीज है, उसमें से एक है ये। और ये मंकी का केज है। अभी इसमें मंकी है कि नहीं पता नहीं, है शायद, अंदर सोए हुए मंकी है। ये देखो, दोपहर का टाइम है तो इन्होंने झपकी ले लिए। यहाँ से हम लोग बाहर निकल के अभी आगे चलेंगे और आगे हम लोग देखेंगे डियर, जो स्पॉटेड डियर कहते हैं। ये है स्पॉटेड डियर। इनके जो पूरे स्किन पे जो स्पॉट रहते हैं वाइट वाइट कलर के, ये एक डियर की एक प्रजाति है। सो कितने सुंदर दिख रही है और एक मनमोहक दिख रहे हैं कितने। सभी साथ में चल रहे हैं इसमें। और बाहर आप अगर जंगल में भी देखेंगे इनको कभी, तो ये वहाँ पे भी साथ में चलते रहते हैं झुंड में, क्योंकि बहुत सारे जानवर इनकी शिकार करते हैं और टाइगर का ये बहुत ही पसंदीदा खाना है, तो इसलिए हमेशा ये झुंड में ही पाए जाते हैं। सो अभी हम आगे जो देखने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये है पेंगुइन। और पेंगुइन ज़्यादातर बर्फीली इलाकों में पाए जाते हैं। सो ये यहाँ पे हम लोग को देखने मिलने वाले हैं। सो देखते हैं पेंगुइन को अभी कैसे दिखते हैं और कैसे है। हम आए हैं पेंगुइन सेक्शन में, तो यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ लाइन नहीं है। सो हम देखेंगे इस पेंगुइन को अभी। ये देखो, पेंगुइन सामने दिख रहे। ओ वाह, कितने क्यूट दिख रहे ये पेंगुइन, बहुत ही क्यूट है ये। और छोटे छोटे बच्चों की तरह लग रहे हैं। उनके हाथ और इनका चलने का जो अंदाज है वो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही सेम बच्चों की तरह ही चल रहे। देखो उनकी चाल की तरफ सब लोग आकर्षित हो रहे और ये तैर भी रहे पानी में। आप देख सकते हो तैरते हैं पानी में। बहुत सारे पेंगुइन्स यहाँ पे रखे हुए हैं। कितना फास्ट तैर सकते हैं ये, आप देख सकते हो। और ये जो पेंगुइन होते हैं वो 900 फीट नीचे गहराई तक तैर सकते हैं और पानी के अंदर 20 मिनट तक अपनी सांस को रोक कर रख सकते हैं ये। खाने में इनको मछली पसंद है, ये मछली खाते हैं। इनके पंखों को देखो आप, एकदम हाथ की तरह इनको ये यूज़ करते हैं और हाथों की तरह ही लग रहे हैं इनके। बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं एकदम। और बच्चों के लिए तो ये बहुत आकर्षित करते हैं। बच्चे तो बहुत टाइम यहाँ पे खड़े भी रहते हैं देखने के लिए। और बच्चे इस जू में सबसे ज़्यादा पेंगुइन को ही पसंद करते हैं, क्योंकि इनका चलने का स्टाइल और इनका जो क्यूटनेस है सो बहुत ही लुभाता है सबको ये। आप जब भी यहाँ आएंगे तो पेंगुइन को ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, पेंगुइन सेक्शन से निकल के हम लोग अभी बाहर आए। ये बाहर कैफेटेरिया है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि दो कैफे है, तो उसमें से ये सेकंड वाला कैफे है पेंगुइन एरिया के बाजू वाला। सो इसमें भी आप खा सकते हो कुछ स्नैक्स या बाकी कुछ और भी खा सकते हो। अब इसके आगे हम देखने वाले बर्ड सेक्शन, जिसको बर्ड पैराडाइज भी कहा जाता है। और इसके सामने एक गार्डन है बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए। यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह या झूले वगैरह ही रखे हुए। चलो फिर, बर्ड्स देखने के लिए हम रेडी है, चलो चलते हैं। अभी हम चल रहे हैं बर्ड पैराडाइज, मतलब ये बर्ड है यहाँ पे इसके अंदर। जो देखते हैं कितने टाइप्स के बर्ड्स है और कौन से बर्ड्स है। सो इसका एंट्री गेट भी बहुत ही सुंदर है। ये देखो, हम लोग को दिख गया है, ये पैरट दिख रहा है। पैरट भी बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पे रखे हुए हैं, बहुत सारी प्रजातियाँ पैरट्स की यहाँ पे हमें दिखाई देगी। इनके कलर्स आपको बहुत ही अट्रैक्ट करेंगे। पहले इस केज में यहाँ पे बहुत सारे इससे भी ज़्यादा बर्ड्स रखे हुए थे, इसमें पिकॉक वगैरह भी रखा हुआ था, लेकिन अभी पिकॉक वगैरह इसमें नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पे हैं। और ज़्यादातर इसमें पैरट्स ही है, ये
ग्रे कलर का पैरट देखो, बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये भी। कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है ऐसे लग रहा है ये। बहुत ही कलरफुल दुनिया है इन बर्ड्स की भी। बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है हर एक सेक्शन इस जू में, आप देख सकते हो। बहुत सारे कैटेगरीज के बर्ड्स है, बहुत सारे कैटेगरीज के एनिमल्स है, और इसके साथ ही बहुत सारी कैटेगरीज के यहाँ पे पेड़ भी है। अभी बर्ड्स पैराडाइज से निकल के हम टर्टल की ओर आ गए हैं। ये आप देख सकते हो टर्टल्स यहाँ पे इस पानी में रखे हुए। यहाँ पे टर्टल्स की भी कुछ 4-5 प्रजातियाँ रखी गई है। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो टर्टल्स होते हैं इनकी सांस लेने की गति भी बहुत धीमी होती है। 1 मिनट में ये 3 से 4 बार ही सांस लेते हैं। छोटे नेक वाले, बड़े नेक वाले, लंबे नेक वाले, बहुत सारे टाइप्स के टर्टल्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। और पानी के बाहर रहने वाले टर्टल्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं, सो वो भी हम लोग देखेंगे। ये देखो, ये पानी के बाहर रहने वाले हैं, और इनका कलर आप देख सकते हो मिट्टी की तरह ब्राउन कलर इनका है, ताकि इनको खाने वाले जानवरों से बचे रहे। ये स्नेक है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। यहाँ पे बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत ही हरा भरा है ये जू। और इस जू में लगभग 6,500 टाइप के पेड़ और 300 टाइप के पौधे लगे हुए हैं। और इस पेड़ पौधे में से 300 टाइप के पेड़ पौधे ऐसे हैं जो दुर्लभ प्रजाति के हैं। और यहाँ पे वीर जीजा माता का स्टैचू लगा हुआ है, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ। और आगे हम देखने वाले हैं पानी में रहने वाला एक खूंखार शिकारी। सो ये शिकारी है क्रोकोडाइल। यहाँ पे मगरमच्छ को रखा गया है, और ये मगरमच्छ का जो सेक्शन है वो पहले नहीं था, वो हाल फिलहाल में ही बनाया गया है। यहाँ पे बहुत ही मस्त बनाया गया है, सुंदर बनाया है इसको भी। और नीचे ग्लासेस वगैरह लगाए गए हैं, और ये नीचे अंडरग्राउंड की तरह इसको बनाया गया है, ताकि वो क्रोकोडाइल है वो जो नीचे आने के बाद यहाँ पे सबको दिख सके, दर्शकों को यहाँ पे दिखाई दे। तो ये आप देख सकते हो। और इसमें रखे गए जो मगरमच्छ है इनको आप ऊपर की साइड से भी देख सकते हो, लेकिन हम लोग अभी नीचे आए हैं देखने के लिए कि यहाँ पे कुछ दिखता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे तो कोई मगरमच्छ नहीं दिख रहा है, हम लोग अभी जाते हैं ऊपर की साइड में। सो ऊपर की साइड से देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा एरिया बना हुआ है। ये तो कोई, हम लोग अभी ऊपर की साइड में आ गए हैं, और यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेंगे मगरमच्छ। सामने तो हमको एक मगरमच्छ दिख रहा है, लेकिन वो पानी के अंदर शायद सोया हुआ लग रहा है। सो एक ही जगह पे वो है। ये देखो, ये दूसरा मगरमच्छ यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ये तैरते हुए आगे आगे जा रहा है, इसको हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जू में सेफ्टी का बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया गया है, हर एक एनिमल्स और बर्ड की, बर्ड के यहाँ सब जगह पे यहाँ पे सेफ्टी का अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है। अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं एक्वा बर्ड्स, पाण पक्षी देखने वाले हैं हम यहाँ पे। ये सामने हमें एक्वा बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, झाड़ के ऊपर बैठे हुए, नीचे बैठे हुए, बहुत सारी टाइप के यहाँ पे एक्वा बर्ड्स, ये पाण पक्षी यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोग को, तो देख सकते हो। यहाँ से बाहर निकल के हम अभी जाने वाले हैं लेपर्ड देखने के लिए। चलो फिर लेपर्ड देखने के लिए हम लोग अभी चलेंगे, सो देखते हैं। सामने लेपर्ड दिख गया हमको, ये देखो हमारे पास ही आ रहा है, ये एकदम नजदीक से ये आ रहा है। ये भी शिकार करने वाला बहुत ही खूंखार शिकारी है। फ्रेंड्स, इस रानीबाग का टाइमिंग है खुलने का, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे बंद होता है, और वेनसडे के दिन, बुधवार के दिन ये बंद रहती है। और इस पूरे रानीबाग को एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास 3 से 4 घंटे चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, और इसमें एनिमल्स भी बहुत सारे हैं, बहुत कुछ देखने के लिए बहुत कुछ है।
यहाँ पे फैमिली के साथ भी पूरा दिन आप बिता सकते हो। यहाँ पे वीकेंड में इस जू में बहुत भीड़ रहती है क्योंकि पब्लिक भी बहुत आती है, और वीकडेज में कम रहती है। बहुत बड़ा एरिया होने के कारण यहाँ पे कितनी भी भीड़ हो जाए लेकिन वो लगती नहीं है कि भीड़े करके। आप इस रानी बाग को जरूर विजिट करना। फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने पूरा रानी बाग देखा, पूरा ये जो मुंबई जू है वो पूरा एक्सप्लोर किया, और अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या, कौन से एनिमल्स है, कौन से बर्ड्स है, सब हम लोग ने एक्सप्लोर किया, सब देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। सो ऐसे हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।